हेलो फ्रेंड्स, और आप लोग कैसे हैं? तो गुंजन की रसोई में आपका स्वागत है। ठंड के मौसम में तली भुजी चीज़ें खाने में बहुत अच्छी लगती है, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करें जो हम लोग के यहाँ बहुत सबको पसंद किया जाता है। तो हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करें। और इस वक्त हम गाँव में आए हैं, तो गाँव पे चूल्हे का खाना बनाना और खाना तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम गाँव में कैसे बनाते हैं आप लोग हमारे साथ देखिए और शेयर करेंगे आप लोगों के साथ कि हम कैसे बनाते हैं। तो ये चना है, और ये चना हमने 2 कटोरी लिया है, हमने अपने अनुसार लिया है, आप अपने अनुसार ले सकते हैं जितनी आपकी आवश्यकता हो। तो हमने 2 कटोरी भूंज लिया है चना इसको कढ़ाही में, ये तत्काल बनाने वाला है। तो भूंज के हमने इसको पीस के पेस्ट बाहर निकाल लिया है। ये हरी मिर्च है, लहसुन है, अदरक है। ये चना जो है हम भूंज लिए थे, भूंजने के बाद इसको मिक्सी में पीस के इसका पाउडर बना लिए हैं। तो आज हम बनाएंगे बाटी चोखा, और आप इसे झटपट बना सकते हैं। तो हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लें। इसमें धनिया, लहसुन, अदरक इसको हमने पीस लिया है, पीस के ये बाहर निकाल ले रहे हैं। तो ये जो चना हमने पीस के रख लिया था और धनिया काट लिए हैं पीस के, इसको हम बाहर निकाल लिए थे। ये नींबू का रस है, थोड़ा सा हम नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डाल दिए, अपने टेस्ट के अनुसार हमने नमक डाल दिया है। ये थोड़ा सा तेल है। तो चने की बाटी बना के खाइए आप लोग गांव में, वो भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिला ले रहे हैं। जो चने का सत्तू होता है वो तो बनाने और खाने में सबको अच्छा लगता ही है, लेकिन जो चना भूंज के आप लोग इस तरह बाटी चोखा बनाइए तो बहुत अच्छा लगता है, और गांव में ये सबको बहुत पसंद है। तो हमारे गांव में किस तरह बनता है झटपट, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लें। तो ये दूसरी तरफ हमने चूल्हा जला लिया है, चूल्हे पे कढ़ाई रख के तेल डाल दिया है, और ये मेथी हम डालेंगे। तेल गरम हो गया है, मेथी थोड़ा सा पक गई है, अब इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा अच्छे तरीके से पक गया है, अब इसमें हम थोड़ा सा चला देंगे। मेथी और जीरा खूब पक जाएगा, तो ये लहसुन है, हरी मिर्च है, अदरक है, इसको हम डाल के भूंज लेंगे। चूल्हे पर की बाटी चोखा बनाइए और खाइए, गांव में बहुत पसंद किया जाता है हम लोग के, और हमारे गांव में किस तरह बनता है आप लोग जरूर देखिएगा। ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, मेथी और जीरा पक गया है, तो ये बैंगन और टमाटर, आलू इसको हम कुकर में उबाल लिए थे, अब इसको हम तड़का मार दिए हैं। ये झटपट बाटी चोखा बनने वाला है, गांव में बहुत जल्दी बनता है, सब इस तरह बनाते हैं। और हमने अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है, अब इसको हम भूनते रहेंगे थोड़ा सा। अब ये भूनते भूनते देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया डाल दिए हैं। अब इसको हम एक बाउल में निकाल ले रहे हैं। और गांव में चूल्हे की बाटी बनाइए या चोखा बनाइए, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो ये चोखा बनके तैयार हो गया है, और ये चूल्हे पे हमने बनाया है। तो ये दूसरी तरफ हम आटा बना लिए हैं, और आटे में थोड़ा सा हम अजवाइन डाले थे, थोड़ा सा घी डाले थे, और थोड़ा सा जो है नमक, और जो कचौड़ी का मसाला होता है उसको हम थोड़ा सा डाले थे। तो आटा हम बना के रख लिए थे, तो छोटी छोटी लोइयों का जो है चकई हम बना ले रहे हैं। तो चकई बना के अब रख लेंगे, तो ये थोड़ा थोड़ा उसमें ये मसाला जो चना का हम बनाए थे सत्तू का, उसी को इसमें हम भर के बंद कर दे रहे हैं मुँह अच्छे तरीके से।
तो गांव में हम लोग के यहाँ इसी तरह बनता है। ऐसे छोटी छोटी चकई बना के देखी हमने उसमें, तो चकई को अच्छे तरीके से बेल ले रहे हैं छोटी छोटी ये। और गांव में इसी तरह बाटी बनती है हम लोग के यहाँ। ये देखिए सारी बाटी हमने बना के तैयार कर लिया है थाली में। ये चूल्हा अच्छे तरीके से जल रहा है और तेल भी गर्म हो गया है। तो धीरे धीरे एक एक करके बाटी हम डाल दे रहे हैं। इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। जितना इसमें आ रहा है उतना हम इसमें डाल दे रहे हैं। और गांव की चीज़ें खाने में बहुत अच्छी लगती है। हम लोग के यहाँ इसी तरह गांव में बनता है। इस वक्त मैं गांव में हूँ तो हमने सोचा गांव में चीज़ें जो खाई जाती है आप लोगों के साथ भी शेयर करें। हम लोग के गांव में बहुत पसंद किया जाता है बाटी चोखा हुआ और ये दाल का पराठा हुआ भर के बनाइए, और चना का सत्तू जो है उसकी बाटी बनाइए, चने की भर के कचौड़ी बनाइए। ये सब चीज़ें बहुत पसंद की जाती है। हम लोग के गांव बहुत बनती है तो गांव की चीज़ें खाने में बहुत अच्छी लगती है। और अब ये पक गई है, इसको हम बाहर निकाल ले रहे हैं। तो इसी तरह हम सारी बाटी बना लेंगे। हम लोग के यहाँ इसी तरह बाटी बनती है गांव में, खाने में भी बहुत अच्छी होती है। हम लोग के यहाँ बहुत सब इसको पसंद करते हैं ठंड के मौसम में, और सबसे ज़्यादा ठंड में ही हम लोग के यहाँ बनाई खाई जाती है। तो ये सारी बाटी हम बना के रख लिए हैं। और नींबू है, हरी मिर्च है और ये चोखा तैयार है। तो आप लोग जो है इस तरह गांव में की चीज़ें को बनाइएगा, खाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी बाटी चोखा कैसे लगा है। और खाने में बहुत अच्छी बनी थी। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और देखिएगा और बनाइएगा। आप लोग को बहुत पसंद आएगी ये बाटी और चोखा। तो तैयार है हमारे गांव की चूल्हे की बाटी और चोखा। तो आप लोग को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी बाटी कैसे लगी। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्ते दोस्तों।